मैं सोच रहा हूँ इसे कॉलेज ले जाऊँ। मैं सोच रहा हूँ इसे डेट पे ले जाऊँ। मैं सोच रही हूँ अपनी PhD पूरी कर लूँ। नाम के आगे डॉक्टर। वाओ, अब आप सिर्फ पढ़ाई करो। नहीं डेस्टिनी है ना, घर हम संभालेंगे। एक का सपना सबके सब जागे, एक है डेस्टिनी दो कदम आगे। तेरे लिए मैं और मेरे लिए तू, मेरी डेस्टिनी ओनली यू। बढ़ती है पावर, साथ चले हम, कोई मंजिल ना दिखती दूर। चलते जाए इन राहों पे, धुन नई गुनगुनाते, हंसते हंसाते निभाएंगे वादे। एक है डेस्टिनी दो कदम आगे। अरे यार मम्मी, नॉट मम्मी, Dr. Mummy. India's first family scooter with revolutionary i3s technology. Nai Hero Destiny 125. Socho. Do kadam aage. पिछले तीन महीनों से इंसाफ के लिए जगह जगह भटक रही महिला कामगार को कहीं भी इंसाफ ना मिलने के चलते मजबूरन श्रम कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल व आमरण अनशन पर बैठना पड़ा। शुक्रवार को आमरण अनशन पर बैठी झाड़माजरी के कॉस्मेटिक उद्योग की महिला कामगार सोनिका ने बताया कि अपना परिवार छोड़कर भूख हड़ताल पर बैठने का किसी का भी शौक नहीं होता, लेकिन मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। सोनिका ने बताया कि पहले तो उक्त उद्योग के GM ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया व जब मैंने इसका विरोध किया तो मुझे उद्योग से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मैंने इंसाफ के लिए श्रम विभाग, पुलिस विभाग समेत पर कई जगह पर दरवाजा खटखटाया, लेकिन कहीं भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। साथ ही इस महिला ने बताया कि श्रम विभाग व पुलिस विभाग मेरी सहायता करने की बजाय मुझे गुमराह किया। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान मुझे उनसे मिलने नहीं दिया गया। साथ ही इस महिला का कहना है कि झूठी लोकप्रियता हासिल करने वाली कोई भी सामाजिक संस्था उसके साथ खड़ी नहीं हुई। वहीं हिंद मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष मेलाराम चंदेल, महासचिव राजू भारद्वाज व रविंदर कुमार का कहना है कि उद्योग प्रबंधन व श्रम विभाग द्वारा इस महिला को गुमराह किया गया है व पुलिस प्रशासन व महिला आयोग में भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हिंद मजदूर सभा इस महिला कामगार को इंसाफ दिलाने के लिए श्रम विभाग व उद्योग प्रबंधन की ईंट से ईंट बजा देगी। काफी मैं 10-12 साल से लोटस कंपनी में काम कर रही हूँ और वहाँ का GM मुझे काफी इसमें से परेशान कर रहा था और कई बार मुझे गलत बोलता था, ऑफिस में बुलाता था, मैसेज भी करता था, मुझे बोलता था कि बाहर मिल, मैं तुझे पैसे दूंगा। जब मैंने उसकी ये बातें नहीं मानी तो थोड़ी सी बात मेरी कंपनी में तो उस करके उसने मुझे उसकी रंजिश से खुंदक खा के मुझे कंपनी से निकाल दिया, जिसकी शिकायत मैंने श्रम विभाग हर डिपार्टमेंट को दी। वहाँ पे कोई भी मेरी सुनवाई नहीं हुई है, हर जगह मुख्यमंत्री तक दी, हर जगह एक ही तरफा कार्रवाइयाँ हुई हैं। तो इस करके मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। और वो GM मुझे बोलता है कि तूने जो करना है कर ले, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने हर जगह, उसने हर जगह पैसे खिला दिए और बोलता, मुझे धमकी देता है कि तूने जो करना कर ले। GM का नाम क्या है? GM अनिरुद्ध कपिल, लोटस सरवल में। आर्मी ने हो गए 28 सितंबर का है। नोट्स कंपनी की हमारे पास शिकायत आई थी कि GM इसको परेशान करता था। उसके बाद हमने श्रम विभाग से लेके सारे कार्रवाई की, मुख्यमंत्री से लेके, श्रम मंत्री से लेके सबके लिए लेटर डाले। उसके बाद हमने ये अपने लेबर कमिश्नर को भी इसकी सूचना दी, लेटर डाला, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जिस दिन यहाँ मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, ये मिलना चाहती थी उनसे, मिलना चाहती थी, तो पुलिस वालों ने और प्रशासन ने, लेबर डिपार्टमेंट ने इसको मिलने नहीं दिया, क्योंकि अगर ये उस दिन CM साहब को मिल लेती तो इनका पर्दाफाश हो जाए। इन्हें सभी ने, फिर पुलिस वालों ने भी, लेडी पुलिस ने भी ये बोला कि इसको उठा लो यहाँ से। तो मेरे पास, मेरे को इन्होंने सूचना दी, मैंने कहा हम चलो अगली बार मिलेंगे CM साहब को। अब वो GM वहाँ LO के पास, सबके पास मान गया कि इसको फुल एंड फाइनल देंगे या इसको नौकरी रखेंगे, लेकिन उसके बाद उसने कोई कार्रवाई नहीं की। अब वो यहाँ से निकला, CM साहब गए, उसके बाद वो मुकर गया। अब लेबर अफसर भी हाथ खड़े कर गए कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, उनके और लेबर अफसर भी वहाँ इनके गुमराह हो गया कि उस दिन बोल रहे थे कि हम चेक दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। आज इस लेडीज को हमने पहले भी रखा था भूख हड़ताल का प्रोग्राम, लेकिन उसके बाद इन्होंने वादा किया था कि आप टाल दो, अगली बार हम इसको रखवा देंगे, जो भी करेंगे हम करेंगे कार्रवाई, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। आज वो दिन आ गया कि इस लड़की को यहाँ
भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा। अगर नहीं हल हुआ तो अमर अनशन पर भी बैठेंगे, हमारे हम प्रदेश स्तर से भी बैठेंगे इस पे अमर अनशन पे। तो इसकी सारी जिम्मेदारी श्रम विभाग की, प्रशासन की और सरकार की होगी। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट।